आप देख रहे हैं TNB। काफी अच्छा लगा। थोड़ी शॉपिंग करिए बेटा, बच्चों के लोने ना झूले हो? मेरी झूलती बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। जवानी में झूले थे? मैं कभी नहीं झूली। मेले में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी राइड्स की हैं? जो बच्चे कहेंगे सब जगह सब घुमाना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से हर तरीके की सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं। किसी की भी अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम है और दिल्ली पुलिस हमें बहुत कोऑपरेट करती है, उसके बदले दिल्ली पुलिस को हम भी बहुत सहयोग करते हैं। अभी तक तो हमने ब्रेक डांसर का झूला झूला है, बाकी कई सारी चीजें खाई है। बच्चे लोग एंजॉय ले रहे हैं, उसके साथ मैं भी एंजॉय ले रहा हूँ। हमारी सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो बहुत अलर्ट हैं। उसके बदले में जो यहाँ की जनता है वो हमें बहुत प्यार देती है, बहुत इज्जत देती है, हमारा सम्मान करती है। उसके बदले में हम जनता को पूरा सहयोग देते हैं हर तरह का। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूँ आपके साथ निशा लकवाल। दरअसल जो ये स्माइल आप मेरे फेस पर देख रहे हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग उत्तम नगर में आए हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भव्य मेला जो है वो लगा हुआ है। मेले का एंट्री गेट ये है और एंट्री गेट के बिल्कुल साथ में ही पार्किंग जो है वो भी अवेलेबल है। अगर कोई अपने 2-व्हीलर या 4-व्हीलर से आता है तो उसके लिए पार्किंग भी जो है वो रखी गई है। मेले का नाम क्या है? मेले का नाम मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर मेले का नाम भी जो है वो बहुत बढ़िया जो है वो लिखा हुआ है, रक्षाबंधन एव श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मेला, जो कि 20 जुलाई से शाम 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक जो है वो चलेगा। 20 जुलाई से ये मेला जो है वो शुरू हो गया है और इस मेले में क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी फ़ोटो भी जो है वो लगी हुई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो फ़ोटो इस पोस्टर में लगी हुई है, क्या सच में वो चीज़ें अंदर हैं या नहीं, वो तो आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। तो वीडियो में पूरी तरीके से जो है वो बने रहिएगा क्योंकि अंदर चलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि आखिर कौन कौन सी राइड्स हैं, खाने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा के किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं वो भी जो है वीडियो के बीच में या आखिरी में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप भी ये मेला घूमना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ चलिए और वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ। मेले के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल यहाँ पे इस तरीके के जो है गार्ड खड़े किए गए हैं पूरे मेले में अंदर जगह जगह, ताकि किसी भी तरीके की सिक्योरिटी पे कोई जो है खलल ना पड़े। इसी के साथ ही किस तरीके से अंदर एंट्री की जा रही है वो आप ये देखिए कि चेकिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का समय है तो किसी भी तरीके की कोई ढील जो है वो चेकिंग में नहीं बरती जा रही है। और इसी के साथ ही दो अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, यहाँ से जेंट्स की एंट्री है और उस साइड से लेडीज़ की एंट्री है। आप देख सकते हैं वहाँ लेडीज़ जो है वो लेडीज़ चेकिंग कर रही है और जेंट्स जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। खैर, ये तो रहा हमारा सिक्योरिटी पर्पज़ कि मेले में किस तरीके की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर हम अगर मनोरंजन के हिसाब से देखें तो अभी अंदर जाना बाकी है। अंदर चलते हैं और दिखाएंगे आपको किस तरीके से खाने में लोग जो है खाने का जायका अंदर ले रहे हैं और जो बड़ी बड़ी राइड्स यहाँ से एंट्री से जो आपको देखने को मिल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी राइड्स यहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं, तो इसका लोग किस तरीके से मज़ा उठा रहे हैं ये अंदर जाने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है भूख भी लगेगी, लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको सबसे पहले जो है वो बता रहे हैं। फूड कॉर्नर के पे हम आ चुके हैं इस वक्त और मेरे पीछे
आप देख सकते हैं जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस है और सभी लोग जो है जिसे खाना पसंद करते हैं वो है छोले भटूरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की प्लेट्स जो है वो लगी हुई हैं, आधे लोगों ने खा के छोड़ दिया है और आधे लोग जो है वो खा रहे हैं। एक लड़की तो देखो हाय करते हुए, हाय एक बच्चा तो हाय करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी खुश है, मेले में फुल इंजॉय किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे छोले भटूरे से आगे चलेंगे तो पाव भाजी का स्टॉल लगा हुआ है, आगे अगर आप चलेंगे तो मथुरा वृंदावन की मशहूर स्पेशल कुल्हड़ लस्सी जो है यहाँ पर मिल रही है। अगर कोई लस्सी के शौकीन है तो वो भी यहाँ पर आकर और लस्सी का जो है वो जायका ले सकते हैं। इसी के साथ ही दिल्ली का बेस्ट फूड जिसे कहते हैं वो है मोमोज। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमोज की स्टॉल भी जो है वो लगी हुई है। बहुत से लोग आजकल जो है वो चाइनीज़ फूड जो है खाना पसंद करते हैं। हालाँकि इन सबसे अलग अगर प्यास से अगर आप लोग प्यास अगर आपको लग रही है इस मेले में घूमने में तो यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह सब जो है वो इजीली मिल जाएगा। हालांकि ये एक कॉर्नर है जहाँ पे 4-5 स्टॉल खाने के लगे हुए हैं, लेकिन आगे और चलेंगे और भी आपको दिखाएंगे कि आखिर और किन किन खाने के स्टॉल्स जो है ना। कुछ लोग यहाँ पर इस समय लस्सी का जायका जो है वो लेते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि हंस रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर कैसा लगा मेला घूम के? अच्छा लगा। क्या कुछ खाया, कौन कौन सी राइड्स की हैं? राइड्स बच्चे के वाले जितने हैं, अब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे वाले ही करेंगे ना। अच्छा, तो मैम आप काफी मजे से लस्सी खा रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा। मेला कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लगा। 2 साल कोरोना के थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग हैं, अगर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उनको कैसा लग रहा है। छोले भटूरे बहुत से लोग यहाँ पर खाते हुए दिख रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे हमारी वीडियो में हाथ हिला रहे थे उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। अम्मा कैसा लग रहा है मेला घूम के? बहुत बढ़िया लग रहा है बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत क्या क्या खा रहे हो? पहले ही खा रहे हैं, अभी टिक्की खा रहे हैं बस अभी। और क्या क्या प्लान है आगे? थोड़ी शॉपिंग करिए बेटा, बच्चों खिलौने। झूला झूले हो? मैं नहीं झूलती बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। जवानी में झूले थे? मैं कभी नहीं झूली। एक छोटी सी गुड़िया है बेटा, क्या झूले? मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा, मेले में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी राइड्स की हैं आपने? बहुत खतरनाक की। कितना मजा आया, वीडियोस बनाई है? हाँ, सोशल मीडिया पे डालोगे? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मजा आया? बहुत मजा आया। तो क्या क्या खा लिया है? अभी मैं टिक्की खा रही हूँ, अभी पहला ही खाया। तो ऐसे मेला जैसे अब लगा है, ऐसा और भी लगना चाहिए? हाँ शायद लगना ही चाहिए। अच्छा, चलो भाई, बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, उनका कहना यही है कि मेला लगना चाहिए। और चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पर मेले में अवेलेबल है। रॉकेट राइड है और मैं अभी इस राइड पर जाने वाली हूँ और इसके बाद वीडियो में आप देखिएगा और साथ ही इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरे साथ चलिए घूमिए रॉकेट राइड पे। एक राइड में घूम चुकी हूँ और उसके बाद मेरी हालत खराब हो चुकी है, बहुत खतरनाक राइड है। अगर आपको उल्टी आती है, आपका दिल कमज़ोर है तो प्लीज़ इस राइड पर मत जाइएगा, मैं बहुत डर चुकी हूँ। लेकिन खैर बहुत मज़ा भी आया इसी के साथ ही, तो आगे चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। जिस राइड में मैं झूली हूँ आज, वो सबसे पहली राइड है, वो राइड है ये वाली। सबसे पहली राइड गेट में एंट्री करते ही सबसे फर्स्ट राइड जो आपको मिलेगी वो यही होगी। इसके बाद जो राइड है वो है बच्चों वाली ड्रैगन राइड, जो कि गोल गोल घूम रही है, वो है ड्रैगन राइड। आप देख रहे हैं इसमें बच्चे जो है वो कितना एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। इसी के साथ ही अगर आगे चलेंगे तो बच्चों की एक और राइड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
जो है एरोप्लेन राइड, जिसमें बच्चे बैठकर फुल ऑन एरोप्लेन का जो है वो फील ले रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ भी जो है इस मेले में आप जो है अच्छी खासी देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर अगर आप चलते जाएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी कार राइड भी है, जिसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी फैमिली जो है वो सब आसपास खड़ी हुई है और बच्चे अपना फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही आगे जंप, जहाँ पे बच्चे कूद के अपना मन बहला सकते हैं, बहुत मज़ा कर सकते हैं। तो ये राइड 50 रुपये की है। ये राइड जो है वो इसमें बच्चे जंप कर सकते हैं। और इसके बाद ही आगे एक और चाइनीज़ फूड कॉर्नर जो है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छे खासे जो है वो चाउमीन वगैरह, चाइनीज़ फूड जो है वो मिल जाएगा। और आगे अगर अब हम बात करेंगे तो आप जो मेले में दूर से ही सबसे बड़ी राइड दिख रही है वो है ये राइड जो आपको सामने दिख रही है, सबसे बड़ी, जिसमें अगर देसी भाषा में कहूँ तो सबसे बड़ा गोल झूला जो है वो देखा जा सकता है यहाँ पर। और इसी के साथ ही बड़ों की भी एक और राइड यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, जिसका प्राइस है 80 रुपये। और यहाँ पर एंट्री टिकट लीजिए, आप यहाँ से टिकट लीजिए, टिकट लेने के बाद आप एंट्री कीजिए यहाँ से और फिर आप इस राइड पर जो है वो झूल सकते हैं। खैर अब मैं एक राइड झूल चुकी हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं अब किसी और राइड पर झूल कर आपको नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको ये मेले में झूलना है झूले में तो आप खुद आके आप खुद राइड झूलेगा, मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि एक झूले का मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरा झूला झूल सकूँ। खैर आगे चलेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि और किस तरीके की चीज़ें इस मेले में हैं। अगर मेले की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत ही कम मेले जो हैं वो लग रहे हैं, और सबसे स्पेशली जो है पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था तो इसको लेकर कोई भी मेला या किसी भी तरीके का कोई भीड़ भाड़ वाला आयोजन नहीं किया जा रहा था। एक भैया हैं, उनसे अगर हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? देवेंद्र। मेले में घूमने आए हैं? बच्चों को लेके। अच्छा, बच्चों को लेके आए हैं। कैसा लग रहा है, काफी टाइम बाद एक मेला लगा है दिल्ली? अच्छा लग रहा है, तभी लेके आए। अच्छा लग रहा है। पूरा मेला घूम लिए हैं? नहीं अभी तो आए हैं अभी। अच्छा, अभी एंट्री लिए हैं। तो क्या प्लान है, क्या क्या घूमना है, क्या क्या खाना है? अभी जो जो बच्चे कहेंगे सब जगह सब घुमाना पड़ेगा, बच्चों की पूरी फरमाइश होगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद दिल्ली में मेला लगा है और बच्चे यहाँ पर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ जो है वो आए हैं और यहाँ पर काफी इंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मेला, या कहें कि भव्य मेला जो है वो लगा हुआ है। और किनकी देखरेख में ये पूरा मेला लग रहा है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है दिलशाद खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूरा मेला जो है हमने देखा है और अभी थोड़ा बहुत जो है वो भी घूमना बाकी है, लेकिन सर ये बताइए कि इतना बड़ा मेले का आयोजन करना कैसे, इसका आइडिया आया और कब से ये हो रहा है? मैं लगभग 10 सालों से मेले के अंदर हूं और हमारे मित्र हैं अनुपम श्रीवास्तव, मैं उनके साथ में एज ए मैनेजमेंट का काम देखता हूं, उनके बाद में मैं ही इसका होलसेल सब कुछ मेरे अंडर में ही होता है। और जैसे कि मेरा जो अनुभव है, मैं हमारी जो पूरी सिक्योरिटी है वो पूरी सिक्योरिटी अलर्ट रहती है और हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो हमारा पुलिस कंट्रोल है। हमारे कम से कम 14-15 वॉलंटियर हैं जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। हमारे पास HMFD है, DMFD है और उसके बाद भी हमारे अंदर जो वॉलंटियर हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। हम अपनी तरफ से हर तरीके की सुविधा यहाँ पर दे रहे हैं। किसी की भी अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास पुलिस कंट्रोल रूम है और दिल्ली पुलिस हमें बहुत कोऑपरेट करती है, उसके बदले दिल्ली पुलिस को हम भी बहुत सहयोग करते हैं। कब से लग रहा है ये मेला, कितने साल हो गए? ये तो मैम यहाँ पर लगभग 3-4 साल से कोरोना काल की वजह से नहीं लग पाया था, लेकिन कोरोना काल जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद में ये फर्स्ट इवेंट दिल्ली के अंदर हुआ है। उत्तम नगर में। हाँ जी। तो सर कितना, कैसे अरेंजमेंट सब किया जाता है, लोगों की क्या शिकायतें रहती हैं, या कितना लगभग अगर कहें कि कितने पब्लिक आ गई है अभी तक, पहला है तो पहला एक्सपीरियंस कैसा है? शिकायतें तो ये हैं मैम, कोई छोटी मोटी शिकायत होती है, जैसे किसी का कोई बच्चा वगैरह छूट जाता है तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर हैं, हमारे अलाउंसर हैं यहाँ पे, जो बार बार अलाउंस भी करते रहते हैं गेट पे और पब्लिक को सूचना देते रहते हैं कि अगर किसी का बच्चा कोई मिस हो जाए या वो हो जाए तो हमारे जो है तलाश केंद्र पर यहाँ पे जो है पुलिस कंट्रोल रूम पर संपर्क करें। और अभी आपने देखा होगा लाठी लेके अंदर जा रहा था, हमने हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक दिया कि लाठी अंदर नहीं जाएगी। तो हमारे अपनी तरफ से हम कोई भी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते, हमारे वॉलंटियर हम खुद अलर्ट रहते हैं और हम स्वयं इसको देख रेख करते हैं और हम इतने अलर्ट रहते हैं कि मैम हम रात के 3 या 4 बजे सोते हैं। सर पहला इतना बड़ा है तो आगे और कितना मतलब और कितना बड़े स्तर? बड़ा नहीं है मैम, ये तो कुछ भी बड़ा नहीं है।
हाँ, यूपी के अंदर नौचंदी है, मुजफ्फरनगर है, इससे बड़े बड़े लगते हैं। ये तो एक छोटा सा इवेंट है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसकी लंबाई है लेकिन प्लस की चौड़ाई नहीं है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हम लोग जो है, हमारी सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है, हमारा जो वॉलंटियर है वो बहुत अलर्ट है, उसके बदले में जो यहाँ की जनता है वो हमें बहुत प्यार देती है, बहुत इज्जत देती है, हमारा सम्मान करती है, उसके बदले में हम जनता को पूरा सहयोग देते हैं हर तरह का। जनता को क्या कहना चाहोगे, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जनता को क्या संदेश दोगे? यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, बहुत प्यार देती है, कोई भी किस तरह की बदतमीजी नहीं करती, और पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ पर लेडीज़ आती हैं, और सब बहुत अच्छे सब परिवार से हैं, शिक्षित हैं, तो मेरी तरफ से तो यहाँ पे कोई किस तरह की जनता कोताही मतलब इस हमारे साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करती। दिन भर बेचारे आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कब तक चलेगा, मेरी जन्माष्टमी तक है, तो आपने देखा होगा मैम, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, तो हमारी तरफ से तो कोई इस तरह की, यानी कि पहला मेला लगा है और जनता से अपील भी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, इससे पहले भी 3-4 साल से हम यहाँ पर लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कोरोना काल में हम नहीं लगा पाए थे। जी जी, तो अभी तक कितने बार मेले का, अगर कोरोना काल की बात हम ना करें तो कोरोना काल से पहले और उसके बाद कितनी बार अभी तक लग चुका है? मैम कोरोना काल के बाद में तो हमारा ये फर्स्ट इवेंट है। अच्छा, और उससे पहले तो हम 10 साल से लगाते आए हैं। 10 साल से लगा। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा, तो यानी कि अब जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस मेले का जो है वो आनंद ले। मेले के एकदम लास्ट सेक्शन में हम आ चुके हैं और यहाँ पर है सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर है गेमिंग सेक्शन है और यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बॉल से, कि आपको किस तरीके से बॉल डालनी है और फिर वो बॉल जिस जिस नंबर पे जाएगी उस नंबर का टोटल क्या होता है और उस टोटल नंबर के हिसाब से ही आपको गिफ्ट जो है वो मिलेंगे। अब इसके बाद आगे अगर हम चलेंगे तो एक और यहाँ पर जो है काउंटर बनाया हुआ है वो है रिंग का। जी हाँ, यहाँ पे सामान बहुत सारे रखे हुए हैं और रिंग है, और अगर आपका रिंग उस सामान पे चला जाता है तो वो सामान जो है वो आपका हो जाता है। और इसी के साथ ही आगे भी जो है वो इसी तरीके का, ये रिंग वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, और इसके बाद अगर आगे अब मैं दिखाऊँ आपको तो आगे यहाँ पर एक बॉल और ग्लास का सेक्शन दिया गया है, जिसमें एक आपके पास को आपको एक बॉल दी गई होगी, उस बॉल से आपको 5 गिलास जो है वो गिराने होंगे। सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भैया ये 5 गिलास हैं या 6 हैं? 5 गिलास दिए हुए हैं और एक बॉल है। कितने शॉट में ये गिरानी होगी? 1 चांस, यानी कि 30 रुपीज की ये गेम है और सिर्फ एक चांस मिलेगा आपको। तो मैं भी अब ये गेम जो है वो खेलने जा रही हूँ, हालांकि मुझे पता है मुझसे ये नहीं होगा, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। भैया जीतने वालों को कितना मिलेगा? 150 रुपीज ले लो या तो प्राइज पेप्सी ले लो। एक या दो? अच्छा, या तो आप 150 रुपए ले लो या फिर 2 कोल्ड ड्रिंक ले लो। हालांकि मैं बहुत गंदा खेलती हूँ तो प्लीज मेरा मजाक मत बनाइएगा, तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा शॉट जो है वो जाने वाला है, और ये 1, 2 और ये 3। ओह, 4 गिरे मैंने, मेरे से 4 गिरे, सिर्फ 1 रह गया, मेरे 150 रुपए खराब हो गए। चलो कोई नहीं, तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है। जब भी दिल्ली में कोई मेला लगता है तो हम लोग यहाँ उस मेले में ज़रूर जाते हैं और आपको बताते हैं कि उस मेले में क्या कुछ खास चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और एक भैया मेरे पीछे ही बिल्कुल खड़े हैं। भैया आपने ये खेली है? खेला है जी। जीते हो? कुछ नहीं, तो कभी नहीं जीत सकते। अच्छा, कभी नहीं जीत सकते, क्यों? ऐसा क्यों? मतलब ही नहीं है उसका, स्पेस बड़ा है ग्लास का, स्पेस बनाया हुआ, बॉल का साइज बना। तो कह रहे हैं कि जीत के गए हैं। बिल्कुल, वो किस्मत है। अच्छा, इसमें भी किस्मत? बिल्कुल। अच्छा, मेले के बारे में बताइए। बहुत ठीक है, अच्छा ही है, ये तो हर साल का ही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बेहतर है। 2 साल से तो कोरोना चल रहा था, बच्चे लोग एंजॉय ले रहे हैं, उसके साथ मैं भी एंजॉय ले रहा हूँ जी। अरे वाह, मतलब बच्चों की खुशी में अपनी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और लोग हैं यहाँ पे, बच्चे कैसा लग रहा है मेले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या किया अभी तक? अभी तक तो हमने ब्रेक डांस वाला झूला झूला है। अच्छा। बाकी कई सारी चीजें खाई है। ब्रेक डांस आप भी कर रहे थे? ब्रेक डांस? हाँ, मतलब बैठ रखे थे, पूरा घूम गए थे, सर थोड़ा घूम गया था। अच्छा, सर पूरा घूम गया? उल्टी भी की? नहीं, पहले घूम रहे। क्या क्या खाया? हाँ, आइसक्रीम खाया और उधर आगे चाउमीन ले रखा है, वो भी खाया। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे चीज़ की दुकान, मतलब छल्ले वल्ले सब देखा है, तो वहाँ जाएंगे तो जाते जाते वो ले जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक लग रखी है, वो सब पिया हुआ। वो
आए थे, टीएनबी की टीम आई हुई थी और साथ ही आपको भी घुमाने आई हुई थी। सबसे आखिरी पे मैं खड़ी हूँ और सबसे लास्ट में मिक्की माउस का झूला है, जहाँ से इस मेले जो ये मेला जो है ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में मिक्की माउस का बच्चों का झूला लगा हुआ है और यहाँ से मेला जो है वो ख़त्म हो जाता है। पूरा मेला मैं आपको अपने साथ जो है मिलकर वो घुमा चुकी हूँ, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, खाने की क्या क्या चीज़ें थी, क्या कुछ खरीद सकते हैं आप और किस तरीके से मेले में आके खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो कहते हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो अभी हाल फिलहाल में हो रही हैं, जब से कोरोना थोड़ा कम हुआ है तब से मेले लगने स्टार्ट हुए हैं, कार्यक्रम होने स्टार्ट हुए हैं, तो ये चीज़ें अब दिल्ली में होने लगी और जिससे लोगों में काफ़ी खुशी जो है वो देखी जा रही है। तो अब मैं आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बता देती हूँ, ये मेला जो है वो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। ये उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन ये पड़ने वाला है। एंट्री टिकट के कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं और ये मेला घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपको ये मेला कैसा लगा और हमारे साथ घूमकर ये मेला आपको कैसा लगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, टीएनबी न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।